कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के बाड़मेर से उम्मीदवार मेदाराम जी बेनीवाल, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी, पूर्व विधायक रूपाराम जी, जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंह जी, अमरदीन जी, जसवंत सिंह जी, पचपदा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत जी, मेरे मित्र पूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर अब्दुल्ला जी, पूर्व जिला प्रमुख बहन अंजना जी, सम्मानित मंच में गुजरगणों नौजवान साथ, मेदाराम जी और अशोक गहलोत जी ने काफी कुछ बात इस चुनाव के संदर्भ में कही। राजस्थान में, देश में और बाड़मेर में ये चुनाव इस बार अलग मायने का। देश में पूरे का पूरा ये प्रचार किया जा रहा है 400 पार, क्या ये 400 पार बोला है? नहीं, नहीं बोला। ये 400 पार की प्रयास क्यों हो रहा है? 400 पार का प्रयास इस देश के संविधान को बदलने के लिए हो रहा है। सिर्फ संशय ही नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने इसके चयन की प्रक्रिया थी, उस चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष के जिला एक पक्षीय कर दिया। पहले चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री या उसका प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से हुआ करता था। इस देश का दुर्भाग्य है कि संविधान कमजोर होने का ही लक्ष्य है कि वो प्रक्रिया बदलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के दो नुमाइंदे तय करकर जो निष्पक्ष चुनाव आयोग भविष्य के अंदर इस देश के ये सबसे अहम होना चाहिए, उसकी निष्पक्षता के ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल है। यह आज देश को तय करना है, देश के अंदर संविधान, देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव आयोग ये देश चाहता है या नहीं चाहता। अगर देश निष्पक्ष संवैधानिक संस्था चाहता है तो इस बार नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाकर जो संविधान देश को मोहब्बत करता है उस व्यक्ति को हटाए। नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर आते हैं, बाड़मेर के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो टेलीप्रॉम्प्टर जो सामने लगा रहता है, अब तो पूरे देश के बच्चा बच्चा जान चुके हैं नरेंद्र मोदी जी जो भाषण देते हैं वो भी सामने जो टेलीप्रॉम्प्टर है उससे एक एक शब्द पढ़कर ही, और उसको टेलीप्रॉम्प्टर से जो भाषण दे रहे थे तो लिखने वाले ने उनको ये लिखकर दिया कि मेरा इस इलाके से बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ से बहुत लगाव हुआ है, एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं यहां बहुत आया गया, अपनी बात कोई बनाई और अपनी बात कोई उसी क्रम के अंदर अपनी बात कोई गिरा दी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठे, और सिर्फ बात जोड़ने के लिए, राजनीतिक रिश्ता बनाने के लिए, वोटों का रिश्ता बनाने के लिए हम लोगों के यहां जो आराध्य देव है बाबा रामदेव जी, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी बातों ही बातों में कश्मीर पहुंचा दिया, या आप बिल्कुल अपने नजदीक कश्मीर में वो पैदा हुआ है उनको कश्मीर पहुंचा दिया।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को एहसास ही नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इस देश के कण कण के अंदर, पर उनकी आंखें बंद हैं। सत्ता के मध्य के अंदर उनकी आंखें बंद है, आंखें बंद है। अगर रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इस देश के अंदर कैसे देख पाएंगे? उनकी इंद्रियां सत्ता के मध्य से शुद्ध है, वो महसूस नहीं कर रहे इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। अगर आप ही चाहे नरेंद्र मोदी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस देश से गई भी नहीं। आज गाजी फकीर साहब अपने बीच में शारीरिक तौर के ऊपर नहीं है, पर गाजी फकीर साहब को अपने सब लोग महसूस करते हैं, आदि करते हैं। इनका अहंकार, अहंकार का जवाब कौन देगा? 4 तारीख को जिस दिन गिनती होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उमेदवार राम जी के साथ में संसद के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस के संसद जाएंगे। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, और कभी मैंने लंपाजी नहीं करी, क्योंकि लंपाजी के अंदर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से लेकर ए और बी टीम पूरी की पूरी से बात करने के लिए बात करी, जैसे मैं को आगे बढ़ाने के लिए। आज भी नरेंद्र मोदी जी आकर कहते हैं एयरपोर्ट बारे में, नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बना, किसने रोका बाड़मेर में एयरपोर्ट बनाने के लिए? आपकी मंशा भी थी। जैसलमेर में जब आपने संसद मुझे बनाया तो जैसलमेर के अंदर आज एयरपोर्ट है, आती है 2009 से 14 के अंदर किया। नरेंद्र मोदी जी जो जैसलमेर से भोपाल की रेल लाइन की उस वक्त स्वीकृति होकर सर्वे हो गया था, उसके बाद आपने सिर्फ दिखाने के लिए बात करी, इसमें 5,000 करोड़ रुपए। और 10 सालों के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर के लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रेलवे लाइन का है। कहने में तो आमदनी दुगनी और हकीकत के अंदर आमदनी कम हो रही, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी जो खुद आए थे, उससे पहले भी मैंने उनसे ये सवाल बाड़मेर आए तो उस दिन बाड़मेर का आंकड़ा दिया, मैंने बाड़मेर का आंकड़ा दिया कि 2009 में बाड़मेर के प्रति व्यक्ति की जेब में जो प्रति व्यक्ति औसतन आई है 70,078 रूपये नरेंद्र मोदी जी हुआ करती थी। मैं संसद के तौर पर जब आपने मुझे संसद बनाया तो मैं हिसाब किताब दे रहा हूं कि बाड़मेर के 5 साल बाद 7 गुणी प्रति व्यक्ति औसतन आई 1,21,953 रूपये हुए। आप बाड़मेर के लोगों को बताओ, आप हिन्दुस्तान के लोगों को बताओ, आप जैसलमेर के लोगों को बताओ कि आपके 10 साल के अंदर प्रति व्यक्ति औसतन आई मतलब हर व्यक्ति के, हर परिवार के जेब में कितना पैसा जाना है। नरेंद्र मोदी जी वो बात नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी किसान की बात नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नौजवान की बात नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। नरेंद्र मोदी जी की बात खुद से शुरू होती है और खुद पर ही खत्म होती है, और कांग्रेस की बात आवाम के हर इंसान की से शुरू होती है और इंसान तक ही खत्म होती है। अंतर है ये फर्क। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हो रहा है वो आप देख रहे हो, खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने तय करके अपने दो उम्मीदवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है, ऐसी बात नहीं उनको नहीं पता है, करोड़ी मीना खुद स्वीकार कर रहे हैं, मन से स्वीकार कर रहे हैं। बाकी जो सबको तो उन्होंने हलाना नहीं दिया, बल्कि जाति को हलाना किया। ये मीनाओं को क्या हो गया है, बात ही नहीं सुन रहे हैं, मानने की तो अलग बात, ये अपने आप इस चीज के संकेत देते हैं कि दुनिया जान चुकी। सिर्फ जाति को जाति से लड़ाने के अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, धर्म को धर्म से लड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, और मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं। हिंदू को हरियाणा के अंदर जाट को 35 कौन से लड़ाने की कोशिश करी, पहले गुजरात के अंदर पटेल को 35 कौन से लड़ाने की बात करी, और आज राजपूत को 35 कौन से लड़ाने की आज वो प्रयास करी। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बुलवाते हैं और देखते हैं कि उस बोलने से क्या प्रभाव पड़वा है।
कह रहा हूं, मेरे मीडिया के मित्र को कह रहा हूं, हरियाणा से तो नतीजे आएंगे, अप्रत्याशित आएंगे। ये मैं आज मीडिया को कह रहा हूं, और बात जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन मेरी बात अगर गलत और कमी निकल जाए तो उस दिन आप उस बात हुआ। ये परिवर्तन हो रहा है। आज चुनाव के अंदर हमने किए हुए काम आप लोगों के बीच में, हमारी विचारधारा आप लोगों के बीच में लेकर आई। पहले भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार क्या लेकर आ रहे हैं, अपने विचार नहीं लेकर आ रहे हैं, अपनी विचारधारा नहीं लेकर आ रहे हैं, किए हुए काम नहीं लेकर आ रहे, भविष्य में क्या करना वो काम नहीं लेकर आ रहे, किन अक्षरों में इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने गलती कर ली है, मुझे माफ करो, मेरी गलती का दंड नरेंद्र मोदी जी को नहीं दी, ये बात कह रहे हैं खुद। अब नरेंद्र मोदी जी की गलती का दंड किससे दे, ये बात भी उनको कह देनी चाहिए कि इस देश को इस गर्भ के अंदर किसी ने पहुंचाया है हर दृष्टि से वो नरेंद्र मोदी जी की, वो बात भी उनको आज पार्लियामेंट जैसे मिल के लोगों के बीच के अंदर कैलाश चौधरी जी को कहना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति अहंकार चैलेंज, ये अहंकार और चैलेंज इस लोकतंत्र के अंदर रहा है, 1952 के बाद कोई अहंकार नहीं रहा है, कोई चैलेंज नहीं रहा है, ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं का रहा है। हर किसी के पास अपना एक वोट है, जिसको उसकी समझ होगी वो वोट उसको देगा। किस किस तरह के आज बाड़मेर जिले के अंदर चीजें हो रही है, जैसलमेर में हो रही है, बच्चा भी आज के समय में अपनी खुद की राय नहीं रखे, इस तरह का दबाव डालना चाह रहा है। आपने देखा होगा एक पत्रकार एक बच्चे से पूछ रहा है कि कौन उम्मीदवार है, कौन आपके यहां से संसद बनेगा, तो उसको भी एक बच्चा जो भगवान का रूप होता है उसको भी बोलने और उसकी भावना बताने की आज इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाढ़ बैठे समय के लोग आप लोग तय। जब उस पत्रकार बाढ़ से आया, वो पत्रकार था, उसने उनको बोला कि आप शाम को इस बच्चा क्या कह रहा है इसको सुनने दो। बच्चा ने क्या कहा, दबाव से उनसे पर बच्चे से क्या बुलवाया गया, रविंदर सिंह, और दिल से बच्चे ने जब जवाब दिया तो बोला मेरा। इसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जो धन बल मेरा जैसलमेर के लोगों से ये अपील है, आपके पास वोट मांगने के लिए कौन आ रहा है उसको पहचानो, दोनों के लिए, तो कहने के लिए तो अपने आप को निर्दलीय कह रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और अपने मुखट्टे के ऊपर निर्दलीय का नाम। यह अहंकार किस बात का, इस जैसलमेर के अंदर ही पोखरण के अंदर भी दो पार्टी लड़ रही है, किसी तीसरे जने के लिए तो अहंकार और चैलेंज के रूप में चुनावों में परिवर्तन नहीं किया। इन चुनावों के अंदर इस तरह का अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन चुनावों के अंदर इस तरह का चैलेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, इसका जवाब आप 26 तारीख को दे। आज वही ताकत है, हर चुनाव के अंदर क्या क्या रूप लेती है, पोखरण के अंदर चुनाव के अंदर वोट मांगने के लिए अगर अब्दुल्ला फकीर गाड़ियों में जाते हैं तो 20-20, 30-30 गाड़ियां रोक कर उसको वोट मांगने के लिए भी उनको इजाजत नहीं देते, और समय सीमा तय करते हैं कि आप अंधेरे में रात को आप वोट नहीं मांग सकते। ये पूरे की पूरा घटनाक्रम हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। आज ये कांग्रेस का परिवार सिर्फ मंच के ऊपर रूपाराम जी और साले मोहम्मद जी नहीं बैठे हैं, दिल के अंदर भी रूपाराम साले मोहम्मद आज ईमानदारी से अब्दुल्ला फकीर और हरीश चौधरी जिंदाबाद है, उनके पीछे कांग्रेस पार्टी और महिला नाम की मुंह से नहीं बोल रहे हैं, सबके सब एकजुट होकर और इस देश के लिए, 36 कौम के लिए, हर धर्म के लिए, जैसलमेर के लिए, बाड़मेर के लिए, राजस्थान के लिए हम लोग सब एकजुट हुए। अब हालात ऐसे बने में उमेदा राम जी और मैं आमने सामने चुनाव लड़े थे, मैं जो हालात इस तरह के बने कि आज समय की पुकार है, देश की पुकार है, आम जन की पुकार के कम अपन सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। आप सब लोगों से तय दिल से यही निवेदन है कि 26 तारीख को आप उमेदा राम बेनीवाल को मदद करो, आपके निशान की मदद करो, जो पिछले 3 महीनों में
चीजें हुई भी है। लफबाजी तो हमें नहीं आती है कि उम्मीदवार कैलाश जी जो करते थे ये निर्दलीय है। 40 दिन के अंदर मैं सभी नौजवानों को रोजगार दे दूंगा। शिव के विधायक महोदय ने यह बात करी, समय सीमा किसने तय करी? शिव के विधायक महोदय खुद ने तय करी कि 40 दिन के अंदर मैं आपको रोजगार दे दूंगा। और क्या हो रहा है शिव के अंदर, उन सोलर कंपनियों के लोगों से पूछो, कंपनी और कंपनी में कितना अंतर। किसी भी जनप्रतिनिधि रूपाराम जी रहे, शादा मोहम्मद जी रहे, अब्दुल्ला फकीर रहे, उनकी भाषा में, उनके तरीके में, उनके दबाव में क्या इन सोलर कंपनियों के बीच में दखलंदाजी होती थी? क्या भाषा का उपयोग, क्या शब्दों का उपयोग, क्या मंशा है इन लोगों की? सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ते हुए जैसलमेर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बढ़ते हुए बाड़मेर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यह फैसला आप लोगों को करना है। सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, यह मेरा आप सब लोगों को निवेदन है। या चंद लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। आज कहां कहां का धनबल, किधर किधर का धनबल, कौन सी ताकतें अपने बीच में आ रही, वो मेरा आपसे निवेदन है कि उनके बारे में आप, कौन से जयपुर में बैठे हुए लोग, कौन से दिल्ली में बैठे हुए लोग, कौन से यहां के लोग किस मकसद से ये धनबल का उपयोग कर रहे हैं? आगे भी मीटिंग है, समय बहुत हो गया है। मुझे जैसलमेर पर विश्वास है, जैसे 2019 के अंदर मजबूती से आपने कांग्रेस को जिताया, उससे ज्यादा वोटों से इस बार आप कांग्रेस को जिताओगे, ये मुझे विश्वास है। और जो आज आप लोग जिस तादाद में आज आप आई, अपने आप ही 26 तारीख को क्या होगा वो दुनिया 4 तारीख को देख लेगी। मैं तय दिल से अमर सिंह जी, जय सिंह जी, आप सबको तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आप लोगों की युवा टीम है, जो आज युवा टीम इतनी मजबूती से काम कर रही है, तय दिल से धन्यवाद। धन्यवाद जैसलमेर, धन्यवाद आप।